आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक एजुकेशनल वीडियो को आप आसानी से देख सकें। इसका नोटिफिकेशन आपके नीचे स्क्रीन पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें। सर, आज का विषय है, आज जो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, चेंजर के विषय में। जैसे हमने कल आपको एक बताया था, मैनुअल चेंजर के विषय में आपको जानकारी दिया था, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक चेंजर इसे बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक चेंजर बोल सकते हैं, या डिजिटल चेंजर भी बोल सकते हैं। यानी आज के डेट में मार्केट में किसी भी मकान के अंदर अगर चेंजर जो लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, मैंने बताया था कि अगर आप जनरेटर की सप्लाई से चलाना चाहते हैं या मेन सप्लाई से चलाना चाहते हैं तो आप चेंजर का प्रयोग करते हैं। तो चेंजर क्या होता है, चेंजर में ऑटोमेटिक जो चेंजर होता है और मैनुअल चेंजर, दोनों में डिफरेंट क्या है आपको मैं बताऊंगा। मैनुअल चेंजर के अंदर जैसे आपकी अगर लाइट कट गई तो जनरेटर स्टार्ट करने के बाद चेंजर को चेंज करना पड़ता है, चेंज करते हैं तब आपकी लाइट स्टार्ट होती है जनरेटर की, और जनरेटर जब लाइट आ जाती है तो बंद करते हैं, फिर चेंज करना पड़ता है, दोबारा आपको चेंज करना पड़ता है। लेकिन ऑटोमेटिक चेंजर के अंतर्गत आपको चेंजर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपके मकान की मान लीजिए लाइट कट जाती है, अगर मान लीजिए लाइट चली गई और आपके घर में अगर चेंजर लगा हुआ है और आप जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, जैसे ही जनरेटर की सप्लाई आपके चेंजर में जाती है वो ऑटोमेटिक आपका चेंजर काम करना शुरू कर देता है और जनरेटर की सप्लाई को आपके पूरे मकान में सप्लाई दे देता है। और इसी प्रकार से जैसे ही लाइट अगर आ जाती है और आप जनरेटर को जब बंद करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका चेंजर क्या होता है, लाइट मोड पर काम करने लगता है, यानी जनरेटर की सप्लाई छोड़ करके मेन सप्लाई से काम करने लगता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक चेंजर का कनेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है सर, ऑटोमेटिक चेंजर आज की डेट में अधिकतर घरों में यूज़ किया जा रहा है। इसमें फ़ायदा ये है कि बार बार आपको चेंजर जाकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप केवल एक बार चेंजर लगा दिए तो ऑटोमेटिक सप्लाई के आधार पर काम करता है। ये कैसे काम करता है, इसके अंदर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगा होता है, इसे रिले बोलते हैं, रिले के आधार पर काम करता है। जैसे रिले आपकी एक ऑफ पोजीशन और ऑन पोजीशन में होती है, जैसे मेन सप्लाई पर जब रिले होती है तो मेन सप्लाई से काम करता है, जैसे ही आप जनरेटर की सप्लाई को ऑन करते हैं तो उस रिले के अंदर लगी एक ट्रांसफार्मर होती है, उस ट्रांसफार्मर को सप्लाई मिलती है और जैसे उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से क्या करता है, वो जनरेटर की सप्लाई यानी मेन सप्लाई के पिन को छोड़ करके जनरेटर की सप्लाई को पकड़ लेता है और आपके मकान को जनरेटर की सप्लाई देना स्टार्ट कर देता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि ऑटोमेटिक चेंजर का प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं या कैसे आप लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, किसी भी ऑटोमेटिक चेंजर को मार्केट के किसी भी इलेक्ट्रिकल की दुकान से आप परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने मैनुअल चेंजर में भी बताया था कि चेंजर मार्केट से आप लोड के आधार पर ले सकते हैं कि आपके मकान में कितना लोड है, एम्पियर के आधार पर। यानी ऑटोमेटिक चेंजर भी हमारा एम्पियर के आधार पर आता है, 16 एम्पियर का आता है, 32 एम्पियर का आता है, 63 एम्पियर का आता है, यानी जितना आपके घर के लोड की क्षमता के अनुसार आप अपने मकान में एम्पियर लगा सकते हैं ऑटोमेटिक एम्पियर में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे मकान में लोड कितना है, उसके आधार पर आप ऑटोमेटिक चेंजर लगा सकते हैं। लेकिन लोड से यहाँ कोई मतलब नहीं है, आपको ऑटोमेटिक चेंजर का जो कनेक्शन करने का तरीका है वो किसी भी चेंजर में वही होता है सेम, चाहे वो कितने भी एम्पियर का हो, 6 एम्पियर का हो, 16 एम्पियर का हो, 32 एम्पियर का हो या 64 एम्पियर, एम्पियर से यहाँ पर कनेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है। आप किसी भी कनेक्शन को किसी भी एम्पियर के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे, देखिए आपको एक सामने मैंने फिगर भी बनाया है, यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंजर एक बॉक्स के रूप में होता है, ऑटोमेटिक चेंजर एक बॉक्स के रूप में आता है और उस पर लिखा रहेगा, मान लीजिए जिस कंपनी का चेंजर होगा उस कंपनी का नाम लिखा रहेगा, अगर 32 एम्पियर का चेंजर है तो यहाँ पर 32 एम्पियर भी लिखा रहेगा, 63 एम्पियर का चेंजर है तो 63 एम्पियर भी लिखा रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं सर, यहाँ पर 3 LED लगी हुई है, यानी इस चेंजर के ऊपर LED लगी हुई है। LED मतलब एक छोटी सी लाइट होती है जो लगी हुई इंडिकेट करती है, ये मेन की सप्लाई लिखा है, मेन LED होती है, ये तीनों अलग अलग कलर की LED होती है। जैसे आप जब मेन सप्लाई आपके घर में आती रहेगी तो मेन LED जलेगी, और जब मेन सप्लाई चली जाएगी तो मेन LED क्या हो जाएगी, भूल जाएगी, और जैसे ही जनरेटर स्टार्ट करेंगे तो जनरेटर की लाइट जलने लगेगी। और ये लोड की LED होती है, लोड की LED क्या है, जलती और बुझती रहती है, यानी ब्लिंक करती रहती है, जैसे आपके मकान में जो लोड दिया जाएगा उस पर ये ब्लिंक करता हुआ नज़र आपके सामने आता है। अब हम कनेक्शन को समझेंगे, जैसे ही चेंजर के नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर कनेक्शन के लिए पॉइंट दिया रहता है, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर लिखा है मेन सप्लाई, यहाँ जंक्शन लगा होता है,
कनेक्शन करने के लिए आपका जंक्शन लगा हुआ है। जंक्शन में आप मान लीजिए आपने मकान के मेन बोर्ड के कनेक्शन के पास अगर आप इस चेंजर को लगाना चाहते हैं तो चेंजर कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर के बाद फ्यूज, फ्यूज के बाद चेंजर लगाया जाता है, फ्यूज के बाद आप ऑटोमेटिक चेंजर लगा सकते हैं। यानी जो आपके मेन बोर्ड से फ्यूज के द्वारा न्यूट्रल और फेज सप्लाई आती है उसको, इस लिखा है ना मेन सप्लाई, मेन सप्लाई में आपके दो तार जो पोल से आ रहे हैं, यानी एनर्जी मीटर के बाद फ्यूज के माध्यम से जो तार आ रहे हैं जिसमें एक तार होता है फेस और एक तार होता है न्यूट्रल, यानी एक तार को यहाँ मेन सप्लाई पर एक सिरे पर जोड़ेंगे, दूसरे तार को दूसरे सिरे पर जोड़ेंगे। ये आशा एक समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर लिखा रहेगा मेन सप्लाई, जहाँ मेन सप्लाई लिखा हुआ है वहाँ पर आप न्यूट्रल फेस सप्लाई को जोड़ देते हैं। और जनरेटर आपके मकान में है तो जनरेटर से भी दो तार आ रहे होंगे, जनरेटर की सप्लाई से दो तार आ रहे होंगे जिसमें यहाँ लिखा हुआ है डीजी सप्लाई। डीजी का मतलब क्या होता है? डीजल जनसेट, यानी जनरेटर की जो सप्लाई होती है उसे डीजी सप्लाई हम बोलते हैं। तो डीजल जनसेट से सप्लाई जो आती है एक होती है फेस और एक होती है न्यूट्रल, यानी ये डीजी सप्लाई है जनरेटर के द्वारा। ये जनरेटर की सप्लाई कब आएगी? जब आप जनरेटर को ऑन करेंगे तब जनरेटर की सप्लाई आएगी। तो यहाँ जनरेटर की सप्लाई यहाँ पर आपने दे दिया। अब जैसे लाइट कटेगी तो ये ऑटोमेटिक काम करेगा, इसके अंदर से ये स्विच से जुड़ा होता है। अगर मेन सप्लाई से यहाँ पर लोड लिखा हुआ है, लोड से दो तार आपके निकलेंगे और ये आपके पूरे मकान में चले जाएंगे। यहाँ से एक फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है, इसे बोलते हैं लोड। लोड लोड का मतलब है आपके पूरे मकान में सप्लाई यहाँ से जाती है। तो जैसे ही मेन सप्लाई की आती रहेगी तो मेन सप्लाई जाएगी और सप्लाई जब कटती है तो जनरेटर ऑटोमेटिक अंदर से रिले लगी होती है और रिले के माध्यम से सप्लाई लोड पर देता है जनरेटर की, जिससे आपके पूरा मकान जनरेटर पर काम करने लगता है। बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं। आशा है कि आपको एकदम समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से मैं रिपीट कर दूँ। यहाँ मेन सप्लाई में दो तार, मेन जो आपके मेन सप्लाई आपके मकान में आ रही है उसका दो तार आप मेन सप्लाई में न्यूट्रल और फेस को जोड़ेंगे और डीजी सप्लाई में जनरेटर का दोनों तार जोड़ेंगे और लोड के माध्यम से आप पूरे मकान में जो सप्लाई जा रही है, जहाँ से आपके मकान में इनपुट हो रही है फ्यूज के माध्यम से या MCB के माध्यम से, वहाँ पर आप यहाँ पर लोड देंगे। इसे हम बोलते हैं आउटपुट, ये लोड या इसे बोलते हैं आउटपुट और इसे बोलते हैं इनपुट। ये मेन सप्लाई इनपुट है, ये जनरेटर की सप्लाई इनपुट है और ये आउटपुट है, यानी जनरेटर या लाइट की सप्लाई जो आउट होती है यहीं से आउट होती है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ऑटोमेटिक चेंजर। इसी प्रकार से आप किसी भी मकान के अंदर ऑटोमेटिक चेंजर का प्रयोग कर सकते हैं। ये सिंगल फेस ऑटोमेटिक चेंजर का कनेक्शन मैंने बताया, थ्री फेस भी ऑटोमेटिक चेंजर आपके आते हैं, थ्री फेस वाले में कोई अंतर नहीं है, कनेक्शन करने का सेम तरीका है। थ्री फेस ऑटोमेटिक कनेक्टर कनेक्शन जो आएगा इसमें क्या होगा, चार तार हो जाएगा, यानी चार चार पॉइंट हो जाएंगे सभी पर, जिसमें इसमें दो दो पॉइंट है वहाँ पर चार चार पॉइंट हो जाएंगे, थ्री फेस हो जाएगा। थ्री फेस का मतलब तीन फेस और एक न्यूट्रल, यानी चार पॉइंट आपके मेन सप्लाई में हो जाएगी, चार पॉइंट डीजी में हो जाएगी और चार लोड में हो जाएगी, जहाँ पर थ्री फेस कनेक्शन होता है, कोई बहुत अंतर नहीं होता है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अगर आपका वीडियो सही समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे निःशुल्क फ्री आकाश लोगों को टेक्निकल जानकारी हो और हमारा समाज, हमारा देश बेरोजगारी से मुक्त हो, जिससे अपने परिवार की जीविका चला सके और बिना पैसे के इसे प्रश्न प्राप्त कर सके। अगर इस चैनल को चाहते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।